इवनिंग स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपन अगली क्लास। जैसे कि अपनी लास्ट क्लास में जो चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी, थर्ड कॉन्सेप्ट तक अपना कंप्लीट हो गया था और उससे आगे अभी अपन बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ से। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पहले आप जाके जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं उनको आप देख के फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। उसका रीज़न ये है कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें पुराने वीडियो देखने ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आए। और कॉन्सेप्ट नंबर फोर की कहानी शुरू करते हैं। और कॉन्टीन्यूअसली मेरा जो टारगेट है वो यही है कि अगले 20 दिन में आपके पूरे सिलेबसेस कंप्लीट करवा दिए जाए, और वो भी बड़े डिटेल के साथ कंप्लीट करें, जिससे उसके बाद में हम जैसे जैसे जो एग्ज़ामिनेशन है उनकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो लेके आएँ। और प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको ये पता चलता है कि आप कितना सीख चुके हैं या आपको कितना आता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपन आगे चल रहे हैं। और आप इसी जो आगे वीडियोस आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं लेंथी होंगे, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कमर कस ले, अच्छे से मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर फोर की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फोर बड़ा सिंपल सा, इट इज़ 2 डेज एगो दैट, और इसका मतलब ये है कि दैट के बाद एक सब्जेक्ट, एक वर्ब होगा। और सर मैं ये कहना चाहूँगा आप इसको ऐसे याद करें, इट इज़ 2 डेज एगो, इट इज़ 6 मंथ्स एगो। दैट मीन्स एगो के साथ डेट का पेयर बन के, या फिर मैं ये कहूँ एगो डेट अगर साथ में आ रहा है तो डेट के बाद एक क्लोज होगा। और क्लोज का मतलब सिंपल सा है, जब आप क्लोज वर्ड कहीं पे सुनते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पता नहीं ये क्या है। तो आप सिंपल सी बात ध्यान रखिए, क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर कोई किसी सेंटेंस में ओनली सब्जेक्ट वर्ब है तो भी वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो क्लोज में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी, क्लोज बड़ा सिंपल सा वर्ड है। तो अगर आपको कहीं पे भी इट इज़ 2 डेज एगो या इट इज़ 6 मंथ्स एगो और उसके बाद डेट क्लोज मिले, तो उस डेट क्लोज में ध्यान रखना है, उस डेट क्लोज में V2 का यूज़ करना है। और V2 का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जिसका अर्थ होता है पास्ट सिंपल टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट नंबर फोर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और हर एक बात पहले ही मैंने बता दिया है, बैंक, SSC, राजस्थान गवर्नमेंट, एयरफोर्स या कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, मैं अभी जितने भी नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ मैं सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, कि बस सारे एग्जामिनेशन, क्योंकि ये मेरे खुद के प्रिपेयर किए हुए हैं। अब सारे के सारे चीज़ों को इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया है कि आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम दे, आप अच्छे से उसमें परफॉर्म करें। क्योंकि जो क्लास बैचेस होते हैं, हम उन बैचेस में जो एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम का बैच है या जो बैच चल रहा है पर्टिकुलरली, हम उसी को टारगेट करके पढ़ाते हैं। बट फाइनली अभी जो क्लासेस है इसमें सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ये कंटिन्यू हो रहा है। तो आप ये मान के चले कि अगर आप एक बार इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको किसी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। आई विश दैट इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ओ दैट, वुड दैट, इफ़ ओनली। तो देखिए सर, इस तरह के जितने भी शब्द जो अभी आपने देखे हैं ये सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं। जब मैं बोलता हूँ कंडीशनल सेंटेंस, तो जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो सोचते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो सर कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें दो पार्ट ऑफ टाइम का मतलब है दो अलग अलग टेंस को अगर आप एक ही सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर, चाहे वो कोमा के थ्रू या फिर किसी कंजंक्शन के थ्रू जोड़कर आप किसी दो पार्ट ऑफ टाइम को एक ही सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे कह देते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो जैसे रूल नंबर फाइव है, इसकी बात अपन कर रहे हैं, तो आई विश दैट इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ओ दैट, वुड दैट, इफ़ ओनली। अगर इनसे किसी सेंटेंस की शुरुआत हो या सेंटेंस के बीच में आ रहे हो और उसके बाद में एक सेंटेंस आ रहा है, तो ध्यान रखे इसके जस्ट बाद या इनके जस्ट बाद आने वाले जो सेंटेंस होगा उसमें आप V2 का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? V2। जैसे लीव की V2 क्या हो जाएगी? लेफ्ट हो जाएगी। और वहीं पे अगर बी वर्ब की बात करूँ, तो मैंने आपको पहले ऑन बोर्ड क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि बी वर्ब क्या होती है। तो बी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको पता है वोज वर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अलग से लिखने का पर्पज़ क्या था, वो ये था कि यहाँ पे वोज का यूज़ हम नहीं करेंगे,
क्या था यहाँ पे रीज़न? यहाँ रीज़न ये है कि वोज़ का यूज़ हम नहीं करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ वर यूज़ करेंगे। मान लीजिए आई आ रहा है तो भी वर यूज़ करेंगे, ही आ रहा है तो भी वर यूज़ करेंगे। कब? जब ये शब्द आपको देखने को मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ देता है तो ये मान के चलिए वो वर से जुड़ा, वोज़ वर से जुड़ा हुआ देगा, क्योंकि अक्सर बच्चे सिंगुलर को देखे, मान लीजिए वहाँ शी लिखा हुआ है तो बच्चे वहाँ पे ऑब्वियस शी के साथ वोज़ करते हैं। लेकिन अगर आई विश आई लिखा हुआ है तो आई विश आई वर, ये ध्यान रखना, आई विश आई वर अ मिलेनियर, ठीक है? तो इस तरह से ये इमेजिनेशन को इंडिकेट करते हैं सारे के सारे वर्ड, ठीक है? और ध्यान रखें, ये शब्द जब भी आए तो इनके साथ अगर बी वर्ब के बारे में आपसे पूछा जाए तो वर करना है, और अगर आपसे मॉडल पूछा जाए, अगर आपसे मॉडल पूछा जा रहा है तो क्या करना है, वुड करना है। और मैं सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी एग्जामिनेशन को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए ऐसी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। बैंक के बच्चे अगर देख रहे हैं, एसएससी के बच्चे देख रहे हैं, तो सभी के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज जब आप लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे। तो आई विश आई विश डेट, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आई विश डेट, और यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ रही है, वही चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वी थ्री, ठीक है? तो हेड प्लस वी थ्री, तो यहाँ पे जैसे कि गो की वर्ब की अगर, गो वर्ब की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा हेड गोन। बी वर्ब की बात करूँ तो ये भी वी थ्री क्या हो जाएगा, हेड बीन, ठीक है? और मॉडल में क्या यूज़ करेंगे, तो मॉडल में अपन वुड यूज़ करेंगे, जो कि पहले से अपन कर रहे थे। तो अब आप कहेंगे सर कि आई विश आई डेट के साथ तो आपने वी टू बताया था। बिल्कुल सही है भाई, वी टू ही बताया था, और अभी भी वही चल रहा है। हेड अपने आप में, हैज़ हैव का सेकेंड फॉर्म अगर आपको याद हो तो हेड था, तो वही चल रहा है भाई अभी भी। बस थोड़ा सा देखने का नज़रिया हमने बदला है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो, इस वजह से इस चीज़ को इंडिकेट किया गया है। ओके, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 है हेड प्लस वी थ्री हो, बिफोर हो, तो आगे किसका यूज़ होगा, वी टू का यूज़ होगा। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि पहले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस हो, क्या हो भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, उसके बाद बिफोर हो, तो आगे क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको इस तरह से याद रखें तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा। हेड प्लस वी थ्री बिफोर वी टू, इस तरह से बिल्कुल सिंपल याद रखें आप, हेड प्लस वी थ्री बिफोर वी टू, ठीक है? और इसी को अगर आप वी टू मान लीजिए इस बिफोर के आगे के पार्ट को आप उठा के पहले रख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे, बिफोर वी टू तो रहेगा ही रहेगा। अब आप इस हेड को उठा के क्या रख देते हैं, लास्ट में रख देते हैं सेंटेंस के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यहाँ पे आप क्या यूज़ कर लेंगे, कोमा यूज़ कर लेंगे, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फिर, कॉन्सेप्ट नंबर, अब आप कहेंगे सर उनके एग्जाम्पल्स, तो बिल्कुल ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं, आप पहले नोट करते जाइए, मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे आप इन नोट्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर हमें कैसे मिलेंगे ये नोट्स, तो मैं जल्दी उसके लिए सेपरेट वीडियो डिसाइड करेंगे कैसे आप तक ये नोट्स पहुंचेंगे, ठीक है? किस तरह से आप इन्हें नोट्स को प्राप्त कर पाएंगे, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे चलते हैं अपन। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले अपन बात करके आए किसके लिए, बिफोर के लिए, किसके लिए बात करके आए, बिफोर के लिए, और बिफोर का उल्टा होता है आफ्टर, बिफोर का उल्टा क्या होता है, आफ्टर। तो आफ्टर में आप खुद सोच सकते हो उल्टा हो रहा है, तो ये देखो क्या हो गया, वी टू, वी टू के बाद आफ्टर, और फिर क्या आ गया, हेड प्लस वी थ्री, बिफोर इसका उल्टा हो जाएगा। दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है दोनों। तो उसमें अगर मैं बिफोर की बात करूँ, अगर मैं बिफोर की बात करूँ तो बिफोर में क्या होता है, हेड प्लस वी थ्री, बिफोर वी टू होता है, और आफ्टर की बात करूँ तो आफ्टर में क्या होता है, वी टू आफ्टर हेड प्लस वी थ्री होता है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो, एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कॉन्सेप्ट भी ऑपोजिट होगा। और इसी में अगर मैं बात करूं कि आफ्टर को उठा के सर पहले रख दिया जाए, मान लीजिए आफ्टर के आगे के पूरे पार्ट को उठा दिया, उठा के अपन पहले रख दे, तो कुछ नहीं करना है, वी टू को उठा के आप बाद में रख देंगे। और उठा के बाद में रखने का अर्थ सीधा सा ये है सर कि जो यहाँ पे जो भी सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, आप उसका यूज़ बाद में कर लेंगे, किसके, हेड प्लस वी थ्री वाले सेंटेंस के बाद में, और बीच में कनेक्टर के रूप में आप किसका यूज़ करेंगे, कोमा का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे द क्रिमिनल हैड टेकन प्लेस बिफोर वी रीच देयर,
तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो हेड के साथ V3 आ रहा है। आपने कहा सर हेड के साथ V3, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है? बिफोर आ रहा है। थोड़ी देर पहले ही पढ़ गए हैं, हेड के साथ V3 हो, बिफोर हो तो आगे V2 आएगा। वी रीच्ड, रीच की सेकेंड फॉर्म क्या आ रही है? रीच्ड आ रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। और अगर इसी को लिखने के दूसरे तरीके पर अपन जाए, अगर लिखने के दूसरे तरीके पर बिफोर से आगे का पूरा सेंटेंस अपन उठा के पहले रख, जैसे बिफोर वी रीच्ड, तो कोमा लगा के सीधा लिख देंगे द क्रिमिनल्स हैड टेकन प्लेस, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें, जब आप सेंटेंस के पोजीशंस चेंज करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 की तरफ। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद देखो, यहाँ से आप वो चीज़ें मिल रही सीखने को मिल रही है जो बेसिक बुक्स में नहीं मिलता। और फाइनली ये होता है कि क्लास में लिमिटेशंस होती है कुछ डेटा को पढ़ाने की, टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी होती है, तो मैक्सिमम जो डेटा है हम पूरा डिलीवर नहीं कर पाते क्लास में, ठीक है। फिर भी यहाँ से आपको पूरा का पूरा डेटा मिलने वाला है यदि इंपेरेटिव सेंटेंस। अब भाई जब इंपेरेटिव सेंटेंस आया तो पहले तो प्रश्न दिमाग में ये उठा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो सर मैंने लास्ट वीडियो जो मेरा ऑन बोर्ड वीडियो है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया, क्योंकि मुझे ये पता है कि कौन सी चीज़ें आपके आगे काम आने वाली है इस चैप्टर में, जो मुझे पहले ही बता देनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वी वन, डू, डोंट, प्लीज, काइंडली और लेट से हो। ये चीज़ मैं आपको पहले भी इंडिकेट कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं पुराने वीडियो में। और अगर आप रेगुलरली नोट्स बना रहे तो यकीन मानिए आपको अच्छे से याद है कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जब इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद कोई दूसरा सेंटेंस दिया हो तो उस दूसरे सेंटेंस में वर्ब का यूज पूछा जाए तो हमें हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मिल रहा हो इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद आपको मिल रहा हो एक सेंटेंस, तो सिंपल उस सेंटेंस में आप किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें किसका यूज करते हैं हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब देखिए नोट, और जहां पे नोट आ जाए ये मान के चलिए नोट का मतलब ही है कि मैं किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को इंडिकेट करने वाला हूं। नोट जहां जहां मैंने लिखा आप मान के चलिए मैं किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लिक करूंगा, और उसे आपको बड़े अच्छे से समझना है। इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, क्योंकि मैंने ही बता दिया वी वन, डू, डोंट, प्लीज, काइंडली, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, जैसे ओपन द डोर, तो इसमें सेंटेंस अवेलेबल नहीं है, हमें सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वी वन से प्रारंभ होते हैं, तो वी वन से हो सकते हैं, डू, डोंट से हो सकते हैं, प्लीज, काइंडली से हो सकते हैं और लेट से हो सकते हैं। मुझे बताइए वह किस उद्देश्य के लिए दिल्ली में रहता है? देखिए टेल मी, अब जैसे ही आपने आना आपके माइंड में, भाई इससे कैसे पता चलेगा, तो आप ये देखिए कि टेल मी कौन सा सेंटेंस है। टेल मी कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। और अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? ही के साथ, ही के साथ अपने को वर्ब चेक करना है, वर्ब लीव दी हुई है तो ही के साथ आ जाएगा इज, और लीव की आईएनजी क्या हो जाएगी? लिविंग। तो टेल मी फॉर वॉट पर्पज़ ही इज़ लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए मैंने बहुत सारी जगह सेंटेंसेस के मैक्सिमम ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पे मैंने हिंदी भी लिखा है, और उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें लिख रहा था तो उस टाइम एक माइंड में मोटिव चल रहा था कि मैं इस तरह की बुक पब्लिश करूं कि एक हिंदी मीडियम का वीक से वीक बच्चा भी मुझे अच्छे से समझ पाए कि मैं क्या उसे बताना चाह रहा हूं। तो मैक्सिमम प्लेसेस पे मैंने जो इसका ट्रांसलेशन है वो भी डाला है, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आए, समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। मुझे बताइए वह किस उद्देश्य के लिए दिल्ली में रह रहा है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं RPSC के एग्जामिनेशन में, या फिर जो राजस्थान गवर्नमेंट के LDC की लेवल के जो पेपर्स होते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया जो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन है वो क्या होगा, या इंग्लिश का हिंदी या हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन वाले, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं, जैसे मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं करने वाला, मैं सिर्फ सेंटेंस देखूंगा। सपोर्ट रामलाल, अब देखिए जैसे ही आया प्लीज सपोर्ट, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था प्लीज काइंडली लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। आपने देखा सर अब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही? इंपेरेटिव से। इंपेरेटिव के बाद, इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें कौन सा टेंस होगा? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, देखिए प्लीज सपोर्ट रामलाल बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द
फ्लूड अफेक्टेड पीपल, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं, कृपया रामलाल का सहयोग करें, क्योंकि वह बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इससे फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रूल नंबर 10 के लिए बात करते हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंतर्गत एक साथ दो क्लोज दिए हो, अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ क्लोज क्या होता है। क्लोज का मतलब है जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को एक साथ इंडिकेट किया जाए, या फिर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को इंडिकेट किया जाए, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, क्लोज कह देते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत एक साथ दो क्लोज दिए गए हो, इसका मतलब दो सेंटेंसेस की बात कर रहा है ये। यदि उनमें से पहला क्लोज प्रेजेंट में हो तो दूसरा क्लोज भी किस में होगा, प्रेजेंट में होना चाहिए। यदि पहला क्लोज पास्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लोज भी किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। बाकी का निर्भर करता है एग्जामिनर पर। अब एग्जामिनर पर निर्भर करने, ये लाइन लिखने का मतलब क्या है सर? इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइम को एक साथ इंडिकेट किया गया, तो आप उस बात को भी ध्यान में रखें, ठीक है। और आप सोचेंगे कि सर फिर एग्जामिनर क्या दे सकता है, तो ये टेंशन बिल्कुल भी ना ले। जितनी चीज़ें एग्जामिनर अपने थ्रू पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने इंडिकेट करूँगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे इस रूल को अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए पास्ट टेंस आ रहा है, उसके बाद दैट इफ वेदर आ रहा है, तो उसके बाद भी पास्ट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस आ रहा है, दैट इफ वेदर आ रहा है, उसके बाद भी प्रेजेंट टेंस होगा। इस रूल को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ही टोल्ड मी दैट ही इज़ नॉट एग्रीड टू द प्रपोजल। अगर आप इसे देखें तो ये एक्चुअल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, ठीक है। और जो कि अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करके आपको बिल्कुल सिंपली समझाना चाहूँगा। डेट से पहले एक क्लोज दिया हुआ है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और डेट के बाद भी एक क्लोज है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो डेट से पहले जो क्लोज है उसमें देखें आप, उसमें क्या आ रहा है, टोल्ड आ रहा है। टोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट सिंपल टेंस। तो इसका मतलब डेट क्लोज से पहले पास्ट टेंस है, तो डेट क्लोज के बाद भी क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, पास्ट टेंस होगा। तो भैया इस तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इज आरम, तो पास्ट क्या हो जाएगा, वोज वर्ब। तो ही के साथ क्या आएगा बताइए जरा, वोज, बिल्कुल ठीक कहा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे वोज आ जाएगा। इसके बाद में फिर अगले एग्जाम्पल पे, ही टोल्ड मी दैट ही इज कैनवासिंग फॉर एनी इंडिविजुअल। तो यहाँ पे देखिए टोल्ड आ रहा है, टोल्ड डेट से पहले टोल्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पास्ट, तो डेट के बाद भी क्या होना चाहिए, पास्ट। अब देखिए मैं आपके सामने विकल्प रखता हूँ, हैड टोल्ड, वॉज टेलिंग और टेल्स। अब एक तो आया आपके पास हैड टोल्ड कर दो, लेकिन आपको चेंज कहाँ करना है, चेंज करना है टोल्ड के प्लेस पे, क्योंकि वहाँ अंडरलाइन पार्ट है और आपको अंडरलाइन पार्ट को चेंज करना है। तो बताइए अंडरलाइन पार्ट में क्या लिखा जाए। तो आप कहेंगे सर हैड टोल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि आगे देखा जाए तो डेट क्लोज के बाद में क्या आ रहा है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो प्रेजेंट होगा, तो यहाँ तो पास्ट का कोई मतलब नहीं है, तो हैड टोल्ड नहीं होगा, वो स्टेलिंग भी नहीं होगा, प्रेजेंट का सिर्फ एक ही विकल्प क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही इज इन क्वेंट्री दैट डे, ठीक है। तो सर इस सेंटेंस में दैट क्लोज से पहले देखिए क्या है, टोल्ड लिखा हुआ है, टोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस होगा, और आगे पास्ट टेंस होगा, तो अब तो शायद याद आ रहा होगा क्या होगा भैया, बताइए जरा क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन भी पता चल गया, डेट से पहले पास्ट का क्लोज है तो डेट के बाद भी पास्ट का क्लोज होगा, डेट से पहले प्रेजेंट का क्लोज हो तो डेट के बाद भी वही चीज करनी है, दोनों तरफ प्रेजेंट या दोनों तरफ पास्ट। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ही इन्फॉर्म्स द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट इन विच मैनी पीपल वर किल्ड। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए आगे का जो पार्ट आ रहा है, ही इन्फॉर्म्स दैट द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट इन विच मैनी पीपल्स वर किल्ड। ही इन्फॉर्म्स, अगर मैं इतना ही इसी को पूरा क्लोज मान लूँ और आगे बढ़ूँ, द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट इन विच मैनी पीपल वर किल्ड, तो यहाँ पे मरने की बात हो रही है, तो आप ये कहेंगे कि सर इस अंडरलाइन पार्ट के प्लेस पर क्या आएगा। अंडरलाइन पार्ट के प्लेस पे अगर देखा जाए तो आगे पास्ट टेंस को इंडिकेट किया जा रहा है, इसका मतलब पहले भी पास्ट होगा, और पहले पास्ट होगा इसका मतलब इन्फॉर्म का पास्ट क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस देखिए, ही टोल्ड
ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं, और सारे के सारे एग्जाम्पल्स वो ही लूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होगा वो ये होगा कि एग्जामिनेशन में पूछे गए सेंटेंसेस अगर आप फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में वही सेंटेंस रिपीट हो जाता है, तो उस टाइम सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आंसर क्या होगा। बाकी हम हर एक चीज़ को पूरी डिटेल के साथ समझते हुए आगे चल रहे हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस जो है उस पर चलते हैं। ही टोल्ड अस दैट वाइल ही इज रिटर्निंग फ्रॉम जयपुर, तो दैट क्लोज से पहले वही पास्ट की बात है, तो आगे भी पास्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा। थोड़ा सा सर अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा कम टाइम भी लूँगा। और वैसे आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल उसको आप पेस्ट कर दीजिए, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पेस्ट कर रहे हैं, मैं सभी का कलेक्शन कर रहा हूँ जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, और मैं सारे के सारे डाउट्स का एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें सभी जो भी आपने क्वेश्चन पेस्ट किए हैं, मैं उन सभी का एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा, और उन सारे डाउट्स की एक ही वीडियो में सारे सॉल्यूशंस आपको पूरी डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊँगा। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, किसी बुक में आप कोई क्वेश्चन देखते हैं टेंथ से जुड़ा हुआ, या कोई दूसरा चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप पेस्ट कर दीजिए, मैं उससे जुड़े हुए सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दूंगा। ओके, देन आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, सॉरी नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट रूल है, यदि एक साथ दो से अधिक क्लोज जोड़े गए हो, उनमें से कोई कोई से भी दो क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो, तो तीसरा क्लोज भी किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में। भाई ये जो कॉन्सेप्ट अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रूल नंबर 11 जिसे मैं कह रहा हूँ, ये डेडिकेटेड है ऐसे मान के चलिए बैंक के बच्चों के लिए। इस तरह के क्वेश्चन बैंक के एग्जामिनेशन में कॉमन एरर वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेंटेंसेस बहुत बड़े होते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं यार इतना बड़ा सेंटेंस आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। यदि उनमें से कोई भी दो क्लोज पास्ट के हो, तो तीसरा भी पास्ट का होगा, दो प्रेजेंट के तो तीसरा भी प्रेजेंट का होगा। और पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर दो क्लोज हो तो दोनों पहला प्रेजेंट का तो अगला भी प्रेजेंट का होगा, ठीक है, ये बात अपन पढ़ के आ चुके हैं। ही टोल्ड अस दैट ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, सम एनिमस पर्सन्स अटैक्ड हिम विथ डेजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना शुरू करना है कि भाई शुरू में सबसे पहले क्या आ रहा है, टोल्ड आ रहा है। टोल्ड इसका मतलब कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस चल रहा है। अब इससे आगे बढ़ेंगे अपन। आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो तीन सेंटेंसेस को इंक्लूड किया गया है, तो तीनों में से जो दो में जो टेंस चल रहा है, इसे मान के चलिए तीसरे में भी वही होगा। तो दो में अगर आगे चलता हूँ तो अटैक्ड लिखा हुआ है, अटैक्ड जो है उसमें भी क्या आ रहा है भाई, हाँ बताओ क्या आ रहा है, अटैक्ड कौन सा टेंस हुआ, अटैक्ड का मतलब पास्ट सिंपल टेंस हुआ। तो दो तरफ पास्ट चल रहा है, इसका मतलब तीसरा भी किसका होगा, पास्ट का होगा। अब तीसरा पास्ट का होगा तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही सेज टू अस, देखिए सबसे पहले क्या आया, प्रेजेंट आया, डेट आ रहा है। वी हैव स्टार्टेड, देखो हैज़ हैव की कहानी ये भी किस में होगी, प्रेजेंट में। इसका मतलब पहले में प्रेजेंट, दूसरे क्लोज में भी प्रेजेंट, तो तीसरा क्लोज भी किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। तो वुड आ रहा है, तो वुड का प्रेजेंट, वुड का प्रेजेंट मॉडल के सेंस में, वुड का प्रेजेंट तो विल का वुड होता है, ठीक है, विल का वुड होता तो यहाँ वुड नहीं भैया जी क्या आएगा, बिल्कुल वुड का यूज़ नहीं होगा। तो वुड का यूज़ नहीं होगा तो किसका यूज़ होगा बताइए, किसका यूज़ होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो विल कर दो ना, तो देखिए अगर आप ध्यान से समझे इस बात को, तो वुड के आगे लिखा हुआ है नॉट मैक, तो यहाँ पे अपन ही मैक्स कर दें, या ही डिड नॉट या डज नॉट, तो आप बताइए डिड नॉट डज नॉट में से कौन सुटेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट को इंडिकेट करना है। तो या तो अपन सिंपली क्या कर देंगे यहाँ पे, विल कर सकते हैं, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, तो विल नॉट मेक, यहाँ पे वुड का जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं अपन। ही अप्राइज दिल्ली पुलिस दैट वाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस सम एनिमस पर्सन अटैक्ड हिम, ठीक है। अब अटैक जो है, वहाँ पे अटैक लिखा हुआ है, अप्राइज्ड वी टू है,
उसके बाद रिटर्निंग, वोज रिटर्निंग, ये भी पास्ट है, ऊपर भी पास्ट, सेकंड क्लोज में भी पास्ट, मतलब बाकी के दो क्लोजेज में पास्ट है, तो तीसरा क्लोज भी किसका होगा? पास्ट का होगा, तो अटैक नहीं क्या हो जाएगा? अटैक्ड हो जाएगा। और अटैक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अटैक का, जो कि प्रीपोजिशन के चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी इतना सा ध्यान रखिए, अटैक के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अपन वहाँ पे आगे इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सॉरी, मुझे क्वेश्चन हमेशा रहता है क्योंकि एक्सरसाइज पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, तो माइंड में वही चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो रूल नंबर 12 की बात करते हैं अपन। निम्नांकित का यूज़ सेंटेंस में होने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे, और बड़ी ही सिंपल सी आपको एडवर्ब ध्यान में रखनी है। हार्डली, रेयरली, बैरली, स्केर्सली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, अकेजनली, डेली, हैबिचुअली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एवरी के साथ डे, वीक, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, मतलब टाइम को इंडिकेट करना, ठीक है? एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ठीक है? इनमें से किसी का भी यूज़ हो तो वहाँ पे किसका यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब देखिए नोट, अब नोट आया, इसका मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नोट तभी डालूंगा जब एग्जामिनर के थ्रू कोई ऐसा बात पूछा जा रहा हो जो थोड़ा सा हटके है। हार्डली, रेयरली, बेरली, स्केयरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, अकेजनली, हैबिचुअली। एडवर्ब का यूज़ हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न है कि ये सभी के सभी जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और एड ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले करते हैं। आप चाहे तो इसे स्टार करके लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एड ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले करते हैं। यदि हम इनका यूज़ मेन वर्ब से पहले नहीं करें तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? वो रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। जैसे ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रुथ, तो अपन वही बात अभी लेके चलेंगे, ऑलवेज एड ऑफ फ्रीक्वेंसी का, इसका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसका मतलब मेन वर्ब से पहले, इसका मतलब ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ये कहना क्या होगा? सही होगा। फिर आगे चलते हैं। ही यूजुअली ब्लैंक इन फैबुलस स्टोरीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूजुअली एड ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि पहले ही आ रहा है मेन वर्ब से, तो ही के साथ क्या आ जाएगा? बिलीव्स आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब भी सिंगुलर होता है, और वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसके साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है? ओके, फिर आगे चलते हैं नोट टू के बारे में। हार्डली, रेयरली, बैरली, स्केयरली, सेल्डम, ये सभी के सभी जो देखो, अगर आप ऊपर देखो तो इन्हीं वर्ड्स की बात भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी जो वर्ड्स जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं। सभी का मीनिंग होता है मुश्किल से। हार्डली, रेयरली, बैरली, स्केयर्सली, सेल्डम, सभी क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है। अतः इनके साथ आने वाले सेंटेंस में अन्य किसी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड आए तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे दो माइनस को जोड़ने पर प्लस हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही सर, यहाँ दो नेगेटिव वर्ड आने पर सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में एक साथ दो नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता है, और इंग्लिश में नहीं होने का अर्थ सीधा सा ये है कि सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा अगर दो नेगेटिव वर्ड को एक साथ यूज करेंगे तो। नोट थ्री पे चलते हैं। यदि हार्डली, रेयरली, बेरली, स्केर्सली के बाद डिटरमिनर मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, एनी का यूज पूछा जाए तो हमेशा किसका यूज करेंगे? एनी का। तो ये तो शायद सभी बच्चे जो भी मेरी क्लास अभी देख रहे हैं वो डिटरमिनर का शायद अच्छे से वीडियो देख के आए हैं, और वैसे मैं पूरा का पूरा डिटरमिनर चैप्टर वहाँ मैंने सिर्फ एक्सरसाइज करवाया है 50 क्वेश्चन का, और यहाँ मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा जो चैप्टर है। फिर भी यहाँ पे भी सिर्फ इतनी सी बात की जो नेगेटिव जो डिटरमिनर है वो हम एनी को लेके चलते हैं, और इसीलिए अपन किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे एनी का यूज़ करेंगे। वैसे फ्यू, लिटिल, ये भी नेगेटिव है, लेकिन हम जब आपको लेके चलें कि हार्डली, रेयरली, बैरली, इन शब्दों का प्रयोग कहीं पे हो रहा है तो आप सीधा किसका यूज़ कर ले? एनी का। और एनी ऑप्शन में अगर नहीं हो तो फ्यू और लिटिल आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें फ्यू होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए, और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, पीछे की क्लासेस में आपको डिटेल से समझा चुका हूँ।
ओके, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि एक एग्जांपल अपने लिए आया है, हार्डली नो। हार्डली के साथ नो आया, हमने कहा भैया ये तो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ आ गए, इसका मतलब एक को हटाना है। हटाना किसका है? हटाना उसी को है जो इन शब्दों को छोड़कर कोई भी, जैसे नॉट नो, इस तरह के वर्ड आ रहे, उसी को हटाना है। तो यहाँ पे नो का यूज़ नहीं होगा। हार्ड तथा हार्डली के यूज़ के बीच में अंतर क्या है? अब आप नोट करेंगे कि जिस तरह से नोट्स को बनाया गया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लगभग 6 मंथ पूरे कंप्लीट होने तक ये नोट्स पूरे हुए थे। तो आप, बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया नोट्स को बनाने में, और इस मेहनत का मज़ा तभी जो मेहनत की है सर। चलो मेरी जॉब लग गई, और मैं ये भी चाहता हूँ आप सभी की जॉब लग जाए जो भी मुझे देख रहे हैं, ठीक है। बट इतना इजी गोइंग नहीं होगा सर सब कुछ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी नोट्स आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें ढंग से पढ़ लेंगे तो 98-99 स्कोर करना इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं होगी 100 में से, ठीक है। और अच्छी बात है कि ऐसे खूब सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 98 स्कोर किया है, 99 स्कोर किया है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने होंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना होगा। हार्डली और हार्ड के बीच क्या अंतर है? तो हार्ड एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जिसका अर्थ होता है कठिन। और अगर आपको याद हो तो मैं ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ, जो हाउ का रिप्लाई दे वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है कठिन, हम हार्ड का यूज़ हमेशा मेन वर्ब के बाद करते हैं, जबकि हार्डली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसका अर्थ होता है मुश्किल से, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए सर, हर बार मैं एग्जामिनेशन को ध्यान में रखूंगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में हार्डली का यूज़ वर्ब के बाद देकर अक्सर प्रॉब्लम दी जाती है। हमें सेंटेंस को करने के लिए हार्ड का यूज़ कर देना चाहिए, ठीक है सर। ये ध्यान रखना है आपको, जब एडजेक्टिव की ज़रूरत है तो हार्ड, और जब एडवर्ब की ज़रूरत है तो हार्डली का यूज़ करना है। ही वर्क सो हार्डली। अब देखिए, सो पहले से इंडिकेट हो गया, सो अपने आप में एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद एडवर्ब हाँ बिल्कुल आ सकता है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। लेकिन सो के साथ अपन जो एडजेक्टिव है उसको इंडिकेट करते हैं। ये कब होगा, कैसे होगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आगे मेरे जितने चैप्टर्स आ रहे हैं, हर एक बात बड़े ध्यान से आप समझ जाओगे। सो के साथ अपन एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, इसलिए हार्डली नहीं सर, यहाँ पे क्या होगा, हार्ड होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं का यूज़ कभी भी कॉन्टीन्यूअस अथवा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं होता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम कॉन्टीन्यूअस अथवा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। इन वर्ब्स का यूज़ हमेशा किस में किया जाता है? इनडेफिनेट टेंस में या परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना है, किस में नहीं करते? कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं करते, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको कॉन्टीन्यूअस वर्ब भी ऐसे अपन कह सकते हैं, नॉन कॉन्टीन्यूअस वर्ब। इनका यूज़ कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं होगा, आप चाहे तो इनका यूज़ सिंपल में कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ब है? मैंने सारे वर्ब्स नहीं लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ब में मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं वर्ब्स को लिखा है, जैसे नो, बिलीव, सी, रिमेंबर, स्माइल, स्मेल, कोस्ट, प्रीफर और इमेजिन, ठीक है। ऐसे ही और अगर शब्दों की बात करें सर, ये मेरी जो लिस्ट है वो पूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी आप क्वेश्चंस पेपर आपके आएंगे, इन्हीं में से आपको एक वर्ड डेफिनेटली मिल जाएगा। हैव, फैंसी, बी, फगेट, नीड, वॉन्ट, हॉप, एक्सपेक्ट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज ऑफ, होल्ड, कंटेन, पजेसेस, ओवन, हेल्प, फील, डेयर, डिनाई, रिगार्ड, सेटिस्फाई, मीन, रिकॉल, ट्रस्ट, इक्वल, फिट, साउंड। अब आप कहेंगे सर इतने सारे वर्ड्स याद कैसे होंगे? भाई याद करना ही नहीं है, 3 से 4 बार आपको पढ़ना है। 3 से 4 बार आप पढ़ोगे, जैसे ये वर्ड सामने आएगा आपको 100% माइंड में आ जाएगा कि भाई मैं किस बात की कर रहा हूँ, ऐसे वर्ब्स की बात कर रहा हूँ जो कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती। ऐसे ही टेक आफ्टर, रिजेम्बल, सीम, अपियर, बिलोंग टू, कम फ्रॉम, कम ऑफ, हेल्प फ्रॉम, अंडरस्टैंड, सी श्योर, इंश्योर, हियर, मीट, कम अक्रॉस, पोस्टपोन, प्रॉमिस, रियलाइज, विश, डिजायर, एग्जिस्ट, वॉन्ट, विश, डिजायर, थिंक, रिकलेक्ट, इंक्लूड, डिजर्व, प्रॉमिस, सपोज, रिमाइंड, ट्रस्ट, हैव, अफेक्ट, रिक्वायर, टेस्ट, एक्यूज, कन्विक्ट, एब्सॉल्व, एक्विट, नोटिस, लुक, एबहोर, डिटेस्ट, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, इंटेंट, प्लीज, डिसप्लीज, प्रीसपोज, फगेट, इन्वॉल्व, डिपेंड, फिट और लैक, रिक्वायर्ड, नीड, साउंड, माइंड, एग्री, बिकम। ये जितने भी वर्ड अभी सर आपके सामने मैंने लिखे हैं, आप शॉर्ट में चाहे तो स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं, और स्टेटिव वर्ब का मतलब सीधा सा ये है कि इनका
सब कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं करते, और कॉन्टीन्यूअस का मतलब है सर आईएनजी में यूज़ नहीं करते, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टोटल है 6, और 6 के 6 कॉन्टीन्यूअस कौन से होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। किसी में भी इनका यूज़ नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है सर, ठीक है? ओके, अगर इनका यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं सिंपल में, या इसमें यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट में इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट में आप V3 यूज़ करते हैं और सिंपल में आप V1 यूज़ करते हैं, तो दोनों टेंस में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कुछ है एक्सेप्शन के, वैसे मैं स्टेटिव वर्ब का एक सेपरेट वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। वैसे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि द डॉक्टर इज सेइंग द पेशेंट, द जज इज हियरिंग केस, रतन लाल इज़ हैविंग ए बात। तो यहाँ पे देखिए हैविंग, हियरिंग और सीइंग यूज़ किया गया, तो वो इस वजह से नहीं है कि एक्सेप्शन है, ये इस वजह से कुछ ऐसे वर्ब्स है जो डबल मीनिंग लेके चलते हैं, जो इनका रियल मीनिंग है वो अगर यूज़ होता है, वो अगर यूज़ होता है तो वहाँ पे तो ये आईएनजी में नहीं आएंगे, लेकिन अगर इनका कोई दूसरा मीनिंग अगर इंडिकेट हो रहा हो तो इनका यूज़ आईएनजी में कर सकते हैं। जैसे हियर का मतलब सुनना होता है, लेकिन सुनने के सेंस में कभी भी आप आईएनजी में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सुनवाई के सेंस में, जैसे लिखा हुआ द जज इज़ हियरिंग केस, तो वहाँ पे सुनवाई की बात हो रही है, ना कि सुनने की बात हो रही है। द डॉक्टर इज़ सीइंग द पेशेंट, तो यहाँ कोई भी एडवाइस के सेंस में सीइंग का मतलब देखना, वो देखना नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, तो वो इस तरह से नहीं देख रहा है कि वो उसके चेकअप करने के सेंस में उसका मीनिंग आ रहा है। रतनलाल इज़ हैविंग ए बात, तो उसके पास कोई बात है नहीं सर, हैविंग का मतलब यहाँ लेने से, और लेने के सेंस में यहाँ पे आईएनजी में यूज़ हुआ है। तो अगर इनका कहीं पे भी मीनिंग चेंज हो गया आईएनजी में यूज़ हो तो वो करेक्ट है, बट इनका रियल मीनिंग अगर इंडिकेट हो रहा है तो ये आईएनजी में यूज़ नहीं होंगे। स्टाइल वन का मतलब है कि पर्टिकुलरली इनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यदि उपयुक्त वर्ब, और उपयुक्त वर्ब को मैंने एक छोटा सा नाम दिया था अभी, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब के साथ सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, हाउ लॉन्ग, ऑल प्लस टाइम, फ्रॉम टाइम इमोरियल दिया हुआ हो, तो हमें इन वर्ब्स का यूज़ किस में करना चाहिए? परफेक्ट टेंस में। देखो सर, जो कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप बेसिकली पहले पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे एक्स्ट्रा बहुत एडवांस पढ़ना चाह रहे थे, शायद उन बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है कि किस तरह से चीज़ें एडवांस बन रही है। आई हैव बीन बिलीविंग इन सच स्टोरीज फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है सर? अब यहाँ पे बिलीव जैसे ही वर्ड मुझे दिखा, मुझे याद आया कि ये क्या है भैया, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब है जिनका यूज़ हम आईएनजी में नहीं करते, तो ये तो हैव बीन बिलीविंग आ रहा, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस में यूज़ करना ही नहीं है, करना नहीं है तो क्या करें फिर, या तो परफेक्ट में लेके जाओ या सिंपल में लेके जाओ। तो यहाँ पे किसका यूज़ करना है अपने को? परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। परफेक्ट टेंस का भी यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो फोर के साथ मेनी ईयर्स लिखा हुआ है, और ऊपर हम यही स्टाइल वन में अपन ने यही पढ़ा है कि सिंस के साथ टाइम दिया हुआ हो, फोर के साथ टाइम दिया हो, हाउ लॉन्ग, ऑल प्लस टाइम दिया हो, फ्रॉम के साथ टाइम दिया हुआ हो, तो इस तरह के जितने भी वर्ड हैं उनमें हम किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये शब्द आने पर हम सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, तो हैव बीन बिलीविंग को हटा के यहाँ क्या हो जाएगा? हैव बिलीव्ड हो जाएगा, क्योंकि हैज़ हैव के साथ V3 का मतलब ही है सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद ही ब्लेम मी वेल, फोर फोर के साथ द लास्ट 6 मंथ दिया हुआ है, तो फोर के साथ टाइम आ गया, और फोर के साथ टाइम आ गया तो वर्ब देखना है कौन सी पूछी जा रही है। नो वर्ब आ रही है तो नो के साथ देखिए, इज़ नोइंग हो नहीं सकता, नोज हो नहीं सकता। अब आप कहेंगे सर नोज क्यों नहीं हो सकता, तो मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे आप प्रेजेंट और प्रेजेंट सॉरी सिंपल और परफेक्ट दोनों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया कि अगर मान लीजिए सिंस के साथ टाइम आ रहा है, फोर के साथ टाइम आ रहा है, हाउ लॉन्ग आ रहा है, ऑल प्लस टाइम आ रहा है, फ्रॉम के साथ टाइम आ रहा है, तो वहाँ पे आप पर्टिकुलरली किसका यूज़ करेंगे? वहाँ पे आप पर्टिकुलरली हैज़, हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे, तो इसलिए ही के साथ आएगा हैज़, और नो की थर्ड फॉर्म होगी नोन, इसलिए आ जाएगा हैज़ नोन। स्टाइल टू की अगर बात करें तो फिर मैं स्टेटिव वर्ब की बात करना चाह रहा हूँ। स्टेटिव वर्ब के साथ टाइम नहीं दिया गया हो तो हम सीधा इनके साथ सिंपल यूज़ कर लेंगे, मतलब वही रूल है, अगर टाइम दिया जा रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर नहीं दिया जा रहा हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। जैसे ही वॉज नोइंग मी वेल, तो यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं है, इसलिए आप ही के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, जो कि सॉरी
सिंपल यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल नहीं, सिर्फ सिंपल बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वॉज नोइंग इसका मतलब पास्ट कॉन्टीन्यूअस की है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में पास्ट सिंपल क्या होगा, तो वी टू यूज़ करना है। नो न्यू नॉन होता है तो न्यू यहाँ वी टू यूज़ हो जाएगी। ध्यान रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, अगर टाइम दिया गया हो तो परफेक्ट टेंस, और अगर टाइम नहीं दिया गया हो तो सिंपल टेंस यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज़ नॉट बिलीविंग इन गॉड, तो यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना कंपलसरी हुआ, तो शी के साथ आ जाएगा डज, डू डज में से एक, यानी कि डज आ जाएगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसके साथ एस आई एस जोड़ते हैं, डज नॉट बिलीव, क्योंकि डज के साथ, डू डज के साथ वी वन यूज़ करते हैं, तो डज नॉट बिलीव, ये हमारा सेंटेंस हो गया। ऐसे ही चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपसे कॉमन एरर में पूछ लिए जाते हैं, और बहुत बार सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, तो किसी तरह से पूछिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखा है, अच्छे से समझा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, तो यहाँ पे आर लाइकिंग की जगह क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन दिखने में सिंगुलर लग रहा है सर, लेकिन है कैसा, प्लूरल। चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, इसलिए क्या आ जाएगा, लाइक, क्योंकि चिल्ड्रन का सिंगुलर होगा चाइल्ड। फिर आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 14। मुझे लग रहा है क्लास बड़ा हो जाएगा, तो मैं 14 को आगे लेके चलूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 14 जो कॉन्सेप्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा लिखना भी है और इनको कंटिन्यू करना है, तो इसलिए आप बने रहिए साथ में, चीज़ों को अचीव करते रहिए। टाइम लगेगा बट अच्छे से सीखेंगे। टाइम लगने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा। हर एक चीज़ को आप सीरियसली जब आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं पूरा डेटा जब आपको कवर करवा रहा हूँ, तो सर ऑब्वियस टाइम तो लगना ही है। आप अच्छे से टाइम दीजिए, अच्छे से सीखिए, मैं आपके साथ कंटिन्यू इन चीज़ों को करूँगा, और रूल नंबर 14 जो है उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। चलिए, और जैसे ही मुझे सैटरडे संडे का टाइम मिलेगा, मैं मैक्सिमम क्लासेस उस दिन डिलीवर कर दूंगा। मैक्सिमम का मतलब हो सकता है 10 घंटे या 7 से 8 घंटे की क्लासेस एक ही दिन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो आप कंटिन्यूअसली बने रहिए। अगले 20 डेज़ में हमारा कोशिश ये है कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, और सिलेबस कंप्लीट इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं है कि आपको समझ में भी नहीं आए, इसलिए मैं आराम से चलूँगा धीरे धीरे। आप आराम से लिखते जाइए, अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, और जब एक्सरसाइज करेंगे तो यकीन मानिए हमें बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, और आपको वही काम करना है जैसे आप हमेशा करते हैं, सपोर्ट लोगों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो को उन बच्चों को यहाँ पहुँचाना है जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा नीड है, इंग्लिश की सबसे ज़्यादा नीड है, उन बच्चों को यहाँ पे पहुँचाना है। और जब आप उन बच्चों को यहाँ पहुँचा देंगे, तो ऐसे मान के चलिए आपका काम पूरा हो जाएगा, और मुझे मेरी दक्षिणा भी मिल जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक्स अ लॉट।